आप फन के साथ फूड को एंजॉय कर पाएंगे, तो वीडियो में बने रहें। मैं आ गई हूँ रेल म्यूजियम, फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ। अभी पहले टिकट लेनी पड़ेगी, उसके बाद चलते हैं अंदर। टिकट मैं ले ली है, एक मैंने ली है यहाँ पे जो टिकट लगती है, बाकी दूसरी है जॉय ट्रेन की। तो मैं ये आपको बताऊँ कि अगर जॉय ट्रेन के लिए आप ले रहे हो टिकट तो 20 रुपीज़ है, और जो ये वाली ट्रेन टिकट है मतलब कि एंट्री टिकट जो है यहाँ पे वो 50 रुपीज़ की है। खाना भी होने वाला है तो वीडियो में बने रहना, मैं देखने वाली हूँ कि यहाँ पे खाना किस तरह का मिलने वाला है, फूड कोर्ट वगैरह कैसा है यहाँ पर, अगर आप आ रहे हैं तो आउटसाइड फूड वगैरह अलाउड है या नहीं, और क्या क्या मिलेगा खाने के लिए। फाइनली अंदर आ चुके हैं, ये पटिशंस के टाइम की ट्रेन है, नीचे से पटरी जैसे रखे पूरे उसमें। बहुत ही बढ़िया प्लेस है, स्पेशली बच्चों को यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। वापिस आई फिर चलेंगे हम, जब तक घूम लेते हैं और भी सारी चीजें दिखा देते हैं। व्हाट विल यू डू टुमारो कमेंट करके जरूर बताना, वीकेंड में कहीं घूमने जाना चाहते हो। म्यूजियम के अंदर चलते हैं, सबसे पुराना इंजन यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो इस तरह का इंजन होता था, स्टीम के लिए ऊपर और पहले इस तरह का इंजन हुआ करता था।
राजधानी एक्सप्रेस और शिमला वाली ट्रेन जो पहले वो चलती थी। चेयर क्लास ट्रेन चेयर भी ना बढ़िया लगा। बहुत सारे यहाँ पे मॉडल्स वगैरह लगे हुए हैं। चांदी वाली ट्रेन ये सारे पूरी इंडिया की ट्रेन्स और पूरी इंडिया के स्टेशन वगैरह यहाँ पर स्पोर्ट। म्यूजियम तो घूम लिया, अब चलते हैं बाहर। यहाँ पर थोड़ा कैफेटेरिया पे चलते हैं, ये बैठने के लिए जगह बना रखी है। बाकी अंदर रेस्टोरेंट में चल रही हूँ। तो ये है इनका कैफेटेरिया। स्टेयर्स भी ना जैसे ये प्लेटफॉर्म वगैरह पे होती है उसी तरह की बना रखी है। आउटसाइड फूड और नॉट अलाउड। ये वही ट्रेन आएगी यहाँ पे टॉय वाली, जो ये वाली लाइन दे रखी है पूरी पटरी वाली, और पूरी पटरी वाली लाइन दी हुई है जिसमें टॉय जो ट्रेन है वो आती है और फूड सर्व करती है। लेकिन अभी अंडर मेंटेनेंस है तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब भी आएगी मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी और दोबारा से यहाँ पर आकर ब्लॉग ज़रूर करूँगी ताकि आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, तो आप उस साइड भी बैठते हैं ना सिटिंग, अगर उस साइड भी बैठेंगे तो भी वहाँ पर प्रॉपर बना हुआ है। तो यहाँ पे हर टेबल के आगे इस तरह बना हुआ है एक स्टेशन, और जो ट्रेन है वो यहाँ पर रुकेगी और आपको सर्व करेगी फूड, मतलब आपका फूड आएगा और आपको खुद ही सर्व करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बढ़िया है सच में, मुझे लगा कि ये शायद आउट ऑफ दिल्ली है, दिल्ली के अंदर नहीं है, पर इसके अंदर महीने बाद है तो अभी बोल रहे हैं एक दो महीने बाद शुरू हो जाएगा, तो आप यहाँ पर आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो टॉय ट्रेन वाला फूड। तो मैंने यहाँ पे मंगाया है मसाला डोसा और जिसका प्राइस है 150 रुपीज़। अभी GST इसमें ऐड है या नहीं, मेरी बिल लेने की बार पता नहीं। तो चलिए, डोसे की शक्ल थोड़ी ठीक है लेकिन थोड़ा सा जल गया है और थोड़ा मोटा भी था। बाकी साथ में इन्होंने दिए हैं ये तो सांभर हो गया, कोकोनट चटनी और ये टमाटो चटनी। टेस्ट करके देखते हैं, पहले मैं फिलिंग चेक करना चाहूँगी फिलिंग कैसी है अंदर। देखने में तो अच्छी लग रही है लेकिन डोसा है ना वो थोड़ा सा मोटा है। चलिए शुरू करते हैं खाना। लाल चटनी बहुत अच्छी है, बस बढ़िया लग रही है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा तीखा तीखा सा लग रहा है। काली मिर्च ऐड की है इसके अंदर। टमाटो चटनी भी अच्छी है, चटनियाँ दोनों बढ़िया है। मैं कह रहा नहीं पूरा खाना ऐसा ही है, प्राइस भी ठीक है और खाना भी ठीक है। जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन का टाइम होने वाला है, फिर जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। जल्दी से फटाफट खाना पीना हो गया, अब चलते हैं अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। तो काफ़ी सुंदर कैफेटेरिया है इनका, और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊँ तो ये कितना सुंदर व्यू है सच में यहाँ का, चारों तरफ यहाँ पे ट्रेन ही ट्रेन है। टिकट फाड़ के दे दी है, इसका मतलब टिकट चेक हो चुकी है और ट्रेन चलने को तैयार है। चलो ट्रेन चल रही है हमारी, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आ रही ट्रेन वाली, खट खट खट।
फुल फन किया हो मेरी वीडियो में तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और दिल्ली से दिल्ली के साथ किसी तरह बने रहना। फिर मिलेंगे दिल्ली की किसी और जगह पर जहाँ आप कर पाएंगे बहुत सारी मस्ती और प्लस खाना, यानी होने वाली है फुल मौज। तब तक के लिए टेक केयर।